आज हम बात करेंगे एक हर्बल शैम्पू के बारे में कि कैसे आप शैम्पू बना सकते हैं घर पे। तो ये बहुत ही सिंपल रेमेडी है, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन है, लेकिन इसका प्रॉब्लम एक है दोस्तों कि थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ा इरिटेटिंग सा प्रोसेस है। तो जैसे कि मैं बचपन में शैम्पू को बहुत यूज़ करती थी, मेरी मॉम बनाती थी, तो कोई बात नहीं, आराम से मम्मी ने बनाया, मैंने यूज़ कर लिया। अब बड़े होने के बाद क्या कि थोड़ा वो लेजी हो गई हूँ, मैं खुद नहीं बनाती हूँ। कभी कभी मैं यूज़ करती हूँ तो भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है ये शैम्पू यूज़ करने का। एज अ ब्यूटी ब्लॉगर हम ज़्यादा बात करते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, केमिकल रिलेटेड शैम्पूज़ के बारे में, पर दोस्तों जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं ना उनकी बात ही कुछ और होती है। जैसे कि आप देख लीजिए, हमारी जो दादी नानी के टाइम की जो टाइम थी, उस वक्त हमारे पास केमिकल शैम्पू, कमर्शियल कंडीशनर्स, सीरम, हेयर मास्क, ये सब कुछ नहीं मिलता था मार्केट में। वो यूज़ करते थे घर के रेमेडीज, होममेड शैम्पूज। और आज भी देखिए तो उस जनरेशन की जो लेडीज़ है उनके बाल कितनी ब्यूटीफुल होती है। तो हमारी जनरेशन है जिसके बाल की इतनी बुरी हाल रहती है, झड़ते रहते हैं, टूटते रहते, वाइट होने लग जाते हैं बाल बहुत जल्दी। तो एनीवेज, चलिए इस इंट्रोडक्शन को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं और बात करते हैं कि कैसे बना सकते हैं आप ये हर्बल शैम्पू घर बैठे। तो सबसे पहले हमें चाहिए आंवला, रीठा और शीकाकाई। तो आप चाहे तो कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल है। मैंने काफ़ी ट्राई किया है, लेकिन मुझे ये जो लोकल वाला ब्रांड मैंने रैंडमली एक बार अमेजोन में ऑर्डर कर लिया था, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो इसकी लिंक मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आपको जो यूज़ करना है आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ले लिए, और पहले तो इसको ना पानी में अच्छे से धो लीजिएगा। तो जैसे कि आप घर में जब सब्जी बनाते हैं, फल काटते हैं, आप उसे पहले अच्छे से धोते हैं, उसी तरह से हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छे से पहले धो लेंगे। धो लेने के बाद आप लीजिए 3 लीटर पानी, और 3 लीटर पानी में हम इनको भिगो के रख देंगे। तो मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम रीठा और 100 ग्राम शीकाकाई और 3 लीटर पानी। अब हम इस पानी में इसको भिगो के 1-1.5 days तक रख लेंगे। तो मानिए कि 24 to 36 hours इसे ऐसे ही पानी में छोड़ देना है, आराम से छोड़ के आप भूल जाइए। और ऊपर से जब कवर आप जब बाद में निकालते हैं, आफ्टर 24 to 36 hours, आप देखेंगे कि पानी का रंग थोड़ा ब्राउन पड़ गया है, थोड़ा सा ऊपर में ये फोम, ये झाग बन गया है। दिस इज़ अ गुड थिंग, इसका मतलब कि आपका शैम्पू धीरे धीरे अब बनने को रेडी हो रहा है। लेकिन हमारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई, अभी सिर्फ आधी कंप्लीट हुई है। आप अपने जो बर्तन को सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स, पानी वानी, सब कुछ सबके साथ आप गैस के ऊपर रख दीजिए, और 10 से 15 से 20 मिनट तक भी, इनफैक्ट आप चाहे तो आप इसे गैस पर रख सकते हैं धीमी आँच में, फिर कभी कभी तेज करते हुए थोड़ा इसे बैलेंस करते रहिएगा। आप देखेंगे कि बहुत सारा ये फोम, यानी कि बहुत सारा ये झाग बनते जा रहा है, बिल्कुल एक नॉर्मल शैम्पू की तरह जैसे झाग निकलता है, आपकी ये शैम्पू भी वैसे ही बन रही है। इसे आप झाग निकलने दें, और उसके बाद आप गैस को ऑफ करके 2 से 3 घंटे तक इसे कूल डाउन होने दें। ये बिल्कुल कूल डाउन हो जाना चाहिए, पानी बिल्कुल ठंडा पड़ जाना चाहिए। उसके बाद हम इसे छानेंगे, तो या तो आप एक छन्नी लेके छान सकते हैं, या फिर आप एक क्लॉथ लेके, कपड़े को लेके, साफ कपड़े में इसे पूरा बांध के पूरी की पूरी पानी निकाल लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण मैं भी पर्सनली ये शैम्पू नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप है ये थोड़ा इरिटेटिंग लगता है मुझे, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों, क्योंकि अगर आपके पानी में थोड़े थोड़े ये सॉलिड दाने अगर रहेगा तो आपके बाल में ही चिपकते रहेंगे, और फिर पूरे दिन शैम्पू करने के बाद अपने बाल से निकालते रहेंगे ये सॉलिड वाले पार्टिकल्स, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसे आप अच्छे से छान लीजिए, और जो भी बचा कुचा जो पार्टिकल है इन्हें अभी फेंकने की ज़रूरत नहीं है, इन्हें हम फिर से इसमें हम 1 लीटर पानी डाल के इसको हम फिर से बॉईल करेंगे। 10-15 मिनट तक आप इसे बॉईल करिए, और बॉईल करने के बाद ठंडा कर दीजिए पानी को, और फिर से हम इसे सेकेंड टाइम छान लेंगे इन द सेम वे, बिल्कुल सेम प्रोसेस के साथ, और हो गई आपकी शैम्पू रेडी। अब आप बाकी के जो फालतू कचरे सामान है सबको आप उठा के फेंक सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी शैम्पू रेडी हो गई है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो शैम्पू है ये बहुत इजी प्रोसेस है, बस वो छानने वाली जो पार्ट है उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसे आपको थोड़ा पेशेंटली करना होगा, लेकिन एक बार अगर आप कर लें तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा शैम्पू रेडी हो जाती है, जो ईजिली आपसे आप 2 से 3 महीने तक यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑफ कोर्स आपकी हेयर लेंथ कितनी है। मेरे तो बाल बहुत छोटे हैं अभी, तो मेरे लिए तो काफ़ी टाइम चल जाता है ये शैम्पू। एंड बेस्ट थिंग अबाउट द शैम्पू क्या है ना दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी पड़ता है, क्योंकि इतनी महंगी नहीं पड़ती। आप ये आंवला, रीठा, शीकाकाई मिक्स करके अभी शैम्पू बना रहे हैं, इतनी सारी शैम्पू बन रही है, इतने सस्ते इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके आपको और क्या चाहिए। सेकेंडली, ये शैम्पू की सबसे बड़ी बेनिफिट ये कि आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3-4 बार वॉश करिए, आप देखेंगे आपको कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ रही है, आपको सीरम की जरूरत नहीं है, हेयर मास्क की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल बिल्कुल नेचुरल है, और बहुत ही अच्छा है आपके लिए। तो यूज़ करते करते आपको डिफरेंस ज़रूर देखने लगेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना दोस्तों, सब चीज़ का मैं सबसे बड़ी बोल रही हूँ, एनीवेज पॉइंट ये है कि आप जो शैम्पू यूज़ करेंगे उसके पहले आई वुड सजेस्ट कि आप एक फ़ोटो ले रहे अपने बालों का, ठीक है। जैसे आपकी बाल अभी है उसके आप एक फ़ोटो ले रहे, और शैम्पू कुछ 1-2 हफ्ते तक ट्राई करिए, और उसके बाद आप एक फिर से अपने बालों का एक फ़ोटो लीजिए, आपको डिफरेंस दिखेगा। वो दोनों फोटो से कंपेयर करके आपको रियलाइज़ होगा कि आपकी बाल कितनी इंप्रूव हो गई है। चाहे आपके बाल बहुत उलझते हो, बहुत गिरते हो, 8 साल के बच्चे से लेके 80 साल तक हम इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं।
बाल झड़ना कम होता है, आपको कंडीशनर सीरम वो सब जरूरत नहीं जैसे कि मैंने कहा। साथ ही साथ क्या होता है कि बाल जब सफ़ेद पड़ने लग जाते हैं विथ एज, वो भी ये शैम्पू यूज़ करने से कम होता है क्योंकि आंवला वो करता है। तो ये जो शैम्पू ये आपके हेयर को स्ट्रॉन्ग करके, आपके हेयर को हेल्दी बना के, आपके बालों को ये सब बेनिफिट्स भी देता है। और अब मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहे हैं, ज़बरदस्ती का मैं इसे लंबा करते जा रही हूँ। बहुत लोगों ने शैम्पू ऑलरेडी यूज़ किया ही होगा, काफ़ी नॉर्मल कॉमन फॉर्मूला है ये। तो अगर आपने कभी ये शैम्पू को यूज़ किया है या इस वीडियो को देखने के बाद इस शैम्पू को जब आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। लोगों को पता है कि आपको इसे कितना फ़ायदा हुआ है, जिससे कि बाकी जो लड़कियां हैं, बाकी जो लेडीज़ हैं, जेंट्स भी शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं, बॉयज़ गर्ल्स सब यूज़ कर सकते हैं, तो उन्हें भी एक इंकरेजमेंट मिले कि वो शैम्पू यूज़ करें ये वाली, क्योंकि बाल की प्रॉब्लम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, राइट। तो चलिए बस ये कहना चाह रही थी मैं आप सबसे, और कमेंट लिखते वक्त थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पे क्लिक भी कर दीजिएगा, और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले इस ऑसम से वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। दोस्तों मैं हूँ प्राची और बाय।